साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सरबराह JUFA मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, तमाम फैसले मशावरत से कर रहे हैं और मुस्तकबिल में भी मशावरत से किए जाएंगे। पाकिस्तान पहले है और सियासत बाद में, तमाम इकदाम मुल्की बेहतरी के लिए करेंगे, न कि दूसरों की तरह दो टके की सियासत के लिए। कौमी हुकूमत ही मुल्क को भंवर से निकाल सकती है, दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। फैसला अब हमने करना है 25 और 29 मई के बीच में। इंशाल्लाह परसों मैं आपको वाज़े कर दूंगा ताकि आपको पूरा टाइम मिल जाए, तैयारी का टाइम मिल जाए। तो 25 से लेके 29 तक आपको डेट परसों मिल जाएगी। मैं चाहता हूं आप सब तैयारी करें। ख्वातीन आपने अलहदा तैयारी करनी है, नौजवानों अलहदा करनी है, मुल्तान के लोगों अलहदा करनी है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अवाम का समुंदर जब आएगा तो हमने सिर्फ एक चीज इनसे मांगनी है, एक चीज मांगनी है, असेंबली जिस दिन कब डिसॉल्व होगी और इलेक्शन कब अनाउंस करेंगे। और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान को इतवार को इस्लामाबाद मार्च की कॉल देने का ऐलान। बोले, मुल्की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आ रहा है, इस्लामाबाद में दुनिया का बड़ा समुंदर देख रहा हूं। ये वो इनकलाब है जो पाकिस्तानियों को एक कौम बना रहा है। असम्बलियां तहलील करते हुए फौरी इंतखाबात कराए जाएं। मरियम नवाज, मेरा नाम देहान से लिया करो, कहीं तुम्हारा खावन नाराज ना हो जाए। अपोजिशन का मकसद सिर्फ करप्शन केसेस को मुआफ कराना था, उनकी कब्रें खोदी जा रही हैं।